तो भाई क्या हाल है सभी भाइयों के। भाई आज ना बढ़िया वीडियो बनाएंगे आप लोगों के। देखो भाई वर्कआउट शुरू करने से पहले सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है अपने शोल्डर के लिए। तो आप जैसे मर्जी वार्म अप कर सकते हो, मैं अभी अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं अपनी छत पर आके। तो भाई लेट्स गो, फट सारे डंबल पीछे कर लेते हैं। चलो भाई सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो होगी शोल्डर प्रेस। वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है भाई मेरी, तो आप लोगों की पता नहीं, मेरी तो फेवरेट एक्सरसाइज है। यहाँ तो शुरू कर लेते हैं वार्म अप सेट, प्रॉपर फॉर्म के साथ करनी है आप लोगों को। तो भाई पहला सेट हमेशा मैं लाइट लेता हूँ, प्रेफर करता हूँ। अब वो सबके अपने अपने रेंज होती है, पहला सेट मैं हमेशा लाइट ही सोचता हूँ रखने के। एंड फॉर्म अपनी बिल्कुल सही रखना, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। चलो भाई पहला सेट लेते हैं, इसके जाएंगे 15 रैप एंड मिनिमम 20। चलो एंड एक चीज बता दूं, कल एक्सरसाइज कर रहा था मैं, पानी नहीं रखा मैंने, सॉरी चकराने लग गया था, तो वाटर भी मतलब इनटेक करते रहा करो एक्सरसाइज के बीच में। तो दूसरा सेट लेते हैं फटाफट। रॉड का वेट है 7 किलो, ये हो गए तुम्हारे 10-10, 20-27 किलो हो गए टोटल। चलो पूरे 15 मारे हैं भाई लोग। भाई पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है, थोड़ा सा पानी पिया जाए। सिंगल हैंड लैटरल कैसे मारते हैं, ठीक है। अभी तो जैसे पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं वैसे ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं, हैंड पीछे रख लेना अपना एंड 90 डिग्री का एंगल बनाना एल्बो का। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गया मेरी एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज भी बोला जाता है इसको, अपराइट। और ये भी करते हैं क्योंकि एक दो बारी मेरी इंजरी हो रखी है इसके चक्कर में, ठीक है। हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, ऐसे ओपन एयर में एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बिल्कुल भाई पसीने वसीने आ रखे हैं। एंड लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क पड़ा है हल्का बहुत, जब जिम करते तो कितना पंप आ रखा है, जिम जैसा पंप है भी या नहीं। तो लेट्स गो। तो इसको मारने के लिए आपको उतने पकड़नी पड़ती है इस रॉड को बिल्कुल ही पास से, देन उसके बाद ऐसे उठता ही है, देन शुरू हो जाओ अपनी एक्सरसाइज के साथ। 1, 2, 3, 4। मैंने जो शोल्डर की एक्सरसाइज करता हूँ वो 4 से 5 एक्सरसाइज होती है एंड सेट्स जो होते हैं वो 3 सेट रहते हैं। जिम में मैं 4-4 सेट मारता था, फिर लेकिन 3 सेट सफिशिएंट है क्योंकि जिम के ऐसा लग रहा है पीवीसी वाली जो प्लेट्स होती है ना वो ज़्यादा हैवी लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों साला, हो सकता है माइंड सेट। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है फिर खत्म एक्सरसाइज, आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं हैवी कर देता हूँ वेट को, वेट हैवी 23 किलो हो गया। सेम फॉर्म, 10 रेपुटेशन, 10-8 रेपुटेशन आनी चाहिए। भाई सबसे हैवी सेट लेने जा रहा हूँ अपराइट का, तो ये तुम्हारा हो गया 27, पहले था तो 32 किलो हो गया भाई टोटल। अरे एक्सरसाइज 8 रैप आने चाहिए मिनिमम, 8 से कम आया। चलो 8 तो मारे लेंगे, जय बोले बाबा जी की, जय हनुमान जी, चल 8 से कम नहीं लूंगा मैं की चूथ। पैंट चो 10 ही रह गया। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ शोल्डर की, थ्रस्ट बोलते हैं, ऑलरेडी मैं हैवी कर चुका हूँ उसको बहुत ज़्यादा, तो लेट्स गो। एंड इसका मैं 2 सेट्स लेता हूँ हमेशा, जिम में भी 2 ही लेता था, 3 नहीं लेता था ना 4 लेता था, 2 सेट लेता था, अंदर 10 के रेपुटेशन लेके खत्म करता था एक्सरसाइज को। एंड आप भी कर सकते हो वाली एक्सरसाइज एंड ब्लॉग अच्छा लगा होगा होप सो आपको, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, तो बार का जो पॉइंट होता है उसको पकड़ लेना। Yeah.
ऐसा लग रहा है एक दिन मैं अपने पीवीसी रोड फाड़ दूंगा। शरीर से फैट कम करना भैया, हो जाएगा कम फैट में। तो भाई कुछ ऐसे शोल्डर पंप हुए मेरे, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। धीरे धीरे अपने ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, ठीक है। ये गड्ढा मुझे भरना है साला। चलो भाई मिलते हैं, बाय।